आज हम पढ़ेंगे बिंदुसर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये भी किसके अंडर आता है? एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर के अंडर। ठीक है, अब आ जाते हैं बिंदुसर कौन था। ठीक है, बिंदुसर जो था ये कौन था? सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसर जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा वास्ट एम्पायर एस्टेब्लिश किया और उसके बाद उन्होंने कितने टाइम तक रूल किया था? 25 ईयर्स तक। ठीक है, 25 साल तक उन्होंने जो था वो शासन किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद उन्होंने अपना राज्य किसको दे दिया? अपने बेटे बिंदुसरा को। ठीक है, और कहा जाता है कि जब उन्होंने अपना राज्य राजपाठ छोड़ा तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, और वो क्या बन गए? एक मॉन्क। मॉन्क कौन होता है? साधु। ठीक है, अपना राजपाट छोड़ने के बाद जब उन्होंने अपनी जो गद्दी थी, अपना जो राज्य था, जब अपने बेटे बिंदुसर को दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया और वो क्या बन गए? एक मॉन्क बन गए, मतलब एक साधु बन गए। ठीक है, अब जो बिंदुसर था वो भी एक बहुत एफिशिएंट, बहुत ही अच्छा जो था रूलर था। ठीक है, उसने क्या किया? उसने जो मौर्यन एम्पायर था, ठीक है, उसने जो मौर्यन एम्पायर था उसको कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया? मैसूर तक। ठीक है, मैसूर तक उसने क्या किया? जो मौर्यन एम्पायर था उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और इस तरह से उसने क्या किया? ऑल ओवर इंडिया पर उसने रूल किया, क्योंकि उड़ीसा, वेस्टर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, देन उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया, बंगाल, बिहार, इन सब पर तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले से ही कैप्चर इनको कर लिया हुआ था। देन उसके बाद उसने क्या किया? जो बिंदुसरा था उनका बेटा, उसने कहाँ तक कैप्चर कर लिया? मैसूर तक। ठीक है, और इस तरह से उसने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर जो था रूल किया। ठीक है, लेकिन एक रीजन ऐसा था जिसको वो अपने कब्जे में नहीं कर सका, और वो किसका था, और वो कौन सा रीजन था? कलिंगा। ठीक है, जो कलिंगा रीजन था वो बिंदुसरा के एम्पायर में नहीं आता था, इंक्लूड नहीं होता था। ठीक है, उसने क्या किया, और इसकी मेन वजह क्या थी कि कलिंगा पे उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके जो रिलेशंस थे वो ग्रीक के साथ बहुत अच्छे थे और वो नहीं चाहते थे, और वो कलिंगा पे कोई भी अटैक वगैरह करना नहीं चाहते थे, इसीलिए जो कलिंगा था वो उनकी किंगडम का पार्ट नहीं था। ठीक है, उसने क्या किया? ग्रीक के साथ और ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बनाए। ठीक है, और ग्रीक के साथ साथ उसने और किन किन के साथ अपने रिलेशंस बनाए? रूलर्स ऑफ सीरिया एंड इजिप्ट। सीरिया के और इजिप्ट के रूलर्स के साथ भी जो बिंदुसरा था उसके जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे थे। ठीक है, बिंदुसरा कौन था? ये बिंदुसरा जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर रूल करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने तकरीबन 25 साल तक क्या किया? रूल किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपना जो राजपाट था, अपने जो गद्दी थी वो किसको दे दी? अपने बेटे बिंदुसरा को दे दी। उसके बाद वो क्या बन गए? उन्होंने जैनिज्म धर्म को अडॉप्ट कर लिया और वो एक साधु बन गए। ठीक है, अब जो बिंदुसरा था वो भी एक बहुत ही एफिशिएंट रूलर था। ठीक है, राजा बनने के बाद उसने क्या किया? उसने जो था अपने किंगडम को मैसूर तक एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ? उसने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे रूल किया, लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसा रीजन था जो कि उनके किंगडम में इंक्लूड नहीं होता था, और वो कौन सा था?
कलिंगा। ठीक है, बिंदुसारा के, बिंदुसारा के भी ग्रीक के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, और ग्रीक के साथ साथ उसने सीरिया और इजिप्ट के रूलर के रूलर्स के साथ भी अपने रिलेशंस जो थे वो बहुत अच्छे बना लिए थे। ठीक है,